हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल वी स्टडी में। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि हम सारे फॉर्मूले याद कैसे रखें। बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है और आप लोगों के भी बहुत कमेंट आते हैं कि हमें फॉर्मूले याद नहीं हो रहे। सर, कोई फॉर्मूले की ट्रिक बताइए। तो आपकी ही रिक्वेस्ट पे हम लोग एक फॉर्मूले के ऊपर ट्रिक लेके आ रहे हैं। तो लेकिन अगर आपने उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी अच्छे से दबा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आ सकें। जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग को फार्मूला याद नहीं होते, और फार्मूला याद ना होने की वजह से हमें जो क्वेश्चन है हम उन्हें कर नहीं पाते हैं। जनरली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पेरेंट्स हमको यही बताते हैं कि लिख लिख के याद करो। मतलब जितने फॉर्मूले आप सारे लिखो या आप बहुत बार बोलो उसको रिपीट करो तो क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये ट्रिक कभी तभी काम करती है जब फॉर्मूले कम हो या छोटे फॉर्मूले हो। पर बड़ी क्लासेस में बड़े फॉर्मूले होते हैं और बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो एग्जाम के टाइम पे जब हम एग्जाम देने जाते हैं तब तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये वाला फॉर्मूला कौन सा था या फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल होगा, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है। तो उसी के लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये एक सिंपल ट्रिक है। आपको बस एक पतली सी कॉपी लेनी है, आप कोई पुरानी कॉपी भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक पतली सी कॉपी में आपको उसको चैप्टर वाइज डिवाइड कर देना है। और आपको क्या करना है कि मतलब एक पेज पे एक चैप्टर हो और आपको पेज पे जब उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिखने हैं और दूसरे साइड उसका नाम लिखना है, जैसे कोई चैप्टर। और उसके बाद आपको उसकी एक ऑडियो फाइल बनानी है अपने मोबाइल की मदद से। ऑडियो फाइल से मेरा मतलब है कि जैसे आपके मोबाइल में एक आइकन होगा, जैसे आपको एक स्क्रीन पे शो हो रहा है ना आइकन, जैसे आइकन या फिर रिलेटेड कोई आइकन आपके मोबाइल में होगा, तो आपको उसकी मदद से आपको एक ऑडियो फाइल बनानी है। ऑडियो फाइल आपकी कुछ ऐसी दिखेगी। तो आपको क्या करना है, हर एक एक चैप्टर की आपको एक ऑडियो फाइल बनानी है। याद रखिएगा, एक चैप्टर के लिए एक पेज और एक ऑडियो फाइल बना लीजिएगा। तो जितने सारे चैप्टर होंगे आपके उतनी ही ऑडियो फाइल होंगी, इससे आप आसानी से पता लगा पाओगे कि कौन से चैप्टर की कौन सी ऑडियो फाइल है। सबसे पहला एंड मेन बेनिफिट, आपका टाइम बचेगा। कैसे? अगर आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो एंड आपने 1 घंटे बाद ब्रेक लिया, तो नॉर्मली हम बेड पे जाके आराम करते हैं, तो ऐसे टाइम पे आप वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके आराम करें। तो हर एक ब्रेक में आप सिर्फ एक चैप्टर का ऑडियो सुन लीजिए जो हार्डली 2 से 3 मिनट का होगा, एंड सभी डेट को सुनते टाइम उसको फॉलो करें। विल सेव योर एनर्जी। जैसे हमने बात की कि आपको ब्रेक में ऑडियो से रिवाइज करना है, तो आपने इसमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सभी डेट्स को फॉलो करना है। तो इसमें आपकी कोई एनर्जी नहीं जाएगी एंड पूरा एक चैप्टर का डेटा भी रिवाइज हो जाएगा। एंड मैं 100% श्योर हूँ कि अगर आप रोज एक बार सब डेटा को रिवाइज करते हो तो एग्जाम तक वो सब डेटा आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ये मेथड से आपको 100% याद रहेगा ही। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर हमारे दिमाग को एक ही एक्शन बार बार करने को बोले तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हमें अपने दिमाग को ऑर्डर भी नहीं देना पड़ता, फिर भी वो ऑटोमेटिक वो काम कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हम रोज स्कूल से घर आते हैं, अगर नई स्कूल होगी तो 3 से 4 दिन आपको रास्ता याद करना पड़ेगा एंड बाद में आपको खुद को भी पता नहीं चलेगा कि आप कब घर पहुंच गए। मतलब इवन आपका माइंड किसी और सोच में बिजी होगा तो भी वो सही एक्शन ही लेगा। तो अगर आप इस ऑडियो को बार बार सुनते रहोगे तो ये भी आपके माइंड में फिट हो जाएगा। हमने इस तरीके का वीडियो पहली बार ट्राई किया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। ऐसे ही और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे लगा ये वीडियो।